आधी हकीकत आधा फसाना। घर में एक चूहा दिख जाए तो शायद आप आसमान सिर पर उठा लेंगे, जब तक चूहा भाग ना जाए चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन देवी के एक धाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां एक दो चूहे नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। इंसानों के साथ ही खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, यहां तक कि देवी की पूजा भी करते हैं। पौराणिक कथा की माने तो वो चूहे असल में देवी का परिवार है और उनमें एक चूहा ऐसा है जिसे खुद देवी का रूप माना जाता है। लोग कहते हैं कि हजारों की तादाद में होने के बावजूद एक भी चूहा मंदिर से बाहर नहीं जाता। अगर किसी ने बाहर कर भी दिया तो वो वापस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उन चूहों ने आज तक न किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है, न ही उनसे कोई बीमारी फैली है। तो चलिए देखते हैं मंदिर की उस अद्भुत शक्ति को और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या इंसान और चूहे के बीच कोई दैवीय रिश्ता हो सकता है? अगर नहीं तो उस धाम की हकीकत क्या है? क्या यह दावा सही है कि हजारों की संख्या में होने के बावजूद एक भी चूहा उस धाम से बाहर नहीं निकलता? क्या उस धाम में एक चमत्कारी दुनिया बसती है जिसकी डोर बंधी है देवी की मूर्ति से? अगर यह सब महज एक फसाना है तो हकीकत क्या है? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए हम अपने नए सफर पर रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर शहर का करणी माता मंदिर। चारों तरफ रेत के पहाड़ और आसमान में धूल का गुब्बार। धूल भरी हवा इतनी तेज चल रही है कि यहाँ पर कुछ देर भी खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। अंदाजा लग गया होगा कि हम राजस्थान के रेगिस्तान में हैं। जयपुर से 425 किलोमीटर दूर बीकानेर से कुछ आगे हम निकले हैं एक ऐसे मंदिर की तलाश में जिसे चूहों वाली माता का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि वहां पर चूहे इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। जिसके चमत्कार की डोर जुड़ती है करणी माता से। आखिर ये करणी माता कौन है और इस देवी को चूहों से जोड़कर क्यों देखा जाता है? धाम पहुंचने से पहले इस कहानी को जानना बेहद जरूरी था। राजस्थान में करणी माता की लोक आस्था को देखते हुए राजस्थान सरकार ने देशनोक में करणी माता मंदिर के पास ही एक पैनोरमा तैयार करवाया। इस पैनोरमा में करणी माता की जीवन यात्रा को दिखाया गया। जीवन काल में करणी माता ने कौन कौन से चमत्कार किए गए, उन चमत्कारों की कहानी को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। इस जगह पर करणी माता के जीवन और उनके चमत्कार से जुड़ी कहानियों को लोगों के सामने रखा गया, जिनके मुताबिक करणी माता को मां जगदम्बा का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म राजस्थान में चारण समुदाय के एक सामान्य परिवार में हुआ था। कहते हैं करणी माता के पास कई चमत्कारी शक्तियां थी जिनकी वजह से लोग उनकी पूजा करने लगे थे। वो अपनी बहन के बेटों को अपने पुत्र के समान प्यार करती थी। एक बार एक बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई। मां करणी ने यमराज से उस पुत्र का जीवन वापस मांगा। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में जीवित किया था। तो क्या इसी वजह से उस मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को करणी माता का पुत्र माना जाता है? क्या इसीलिए चारण समुदाय के लोग आज भी उन्हें अपना वंशज मानकर उनकी देखभाल करते हैं? इन पहेलियों को सुलझाते हम उस चमत्कारी धाम तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला।
राजस्थान की आन बान शान की तरह ही ये मंदिर भी बेहद भव्य था। बाहर से देखने में एक किले की तरह नजर आ रहा था। बाहर काफी तादाद में भक्त नजर आ रहे थे, लेकिन एक बात खटक रही थी, हमें बाहर एक भी चूहा नजर नहीं आया, जबकि दावा किया जाता है कि मंदिर के अंदर करीब 20,000 चूहे हैं। लेकिन हम जैसे ही धाम के अंदर पहुंचे, हमारा सारा शक दूर हो गया। अंदर कोई 100-200 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में चूहे थे। फर्श पर, छतों पर, सीढ़ियों के नीचे, मतलब मंदिर के कोने कोने में चूहों की भरमार थी। एक एक कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। डर था कि कहीं कोई पैरों के नीचे न दब जाए। ये नजारा हमारे लिए हैरत भरा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पड़ताल शुरू कहां से करें। फिर हमने चारण समुदाय के कुछ लोगों से बात की, जो करणी माता के परिवार के माने जाते हैं। इस धाम की देखभाल करने का जिम्मा भी इसी चारण समुदाय का है, जो इन चूहों को काबा कहकर पुकारते हैं। काबा है मतलब जहां घराने मालूम है जगह चूहा बोले, ऊंदरा बोले या चूहा बोले, यहां में काबा बोले। तभी चारण समुदाय से एक चेतावनी भी मिल गई। हमसे मंदिर में बहुत ही संभल कर चलने के लिए कहा गया, ताकि कोई काबा यानी चूहा पैरों के नीचे ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मान्यता ये है कि मंदिर कैंपस के अंदर काबा यदि पैर के ऊपर चढ़ जाए तो माना जाता है कि माता की कृपा होगी, लेकिन गलती से भी यदि काबा पैर के नीचे आ जाए तो माना जाता है कि माता नाराज है और न केवल माता से माफी मांगनी पड़ती है, चांदी का काबा माता के दरबार में भेंट करना पड़ता है। बाकी लोगों की तरह हम भी पैरों को घसीटते हुए धाम में आगे बढ़े। अंदर का हर एक नजारा चौंकाने वाला था, लेकिन एक बात गौर करने लायक थी। हजारों की संख्या में होने के बावजूद ये चूहे न किसी को काट रहे थे और न ही किसी चीज को कुतर रहे थे। यहां के लोगों के लिए ये बात सामान्य होगी, लेकिन हमारी तरह बाहर से यहां आने वाला हर शख्स ये देखकर हैरान था। ये चूहे यहीं इसी मंदिर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, क्या वजह है? कुछ तो बात होगी कि ये यहीं पे रहते हैं, इस लाइन को क्रॉस नहीं करते, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। कुछ तो अलग है इन चूहों में कि ये आम चूहे जैसे नहीं है। एक जगह पर आके मेरे ख्याल से साइंस भी स्टॉप होता है, तो वही जगह ये है शायद। धाम में देवी के सामने रखे फल और मिठाई तभी प्रसाद माने जाते हैं जब ये चूहे उन्हें जूठा कर दें। घर के अंदर पानी या दूध के बर्तन के अंदर यदि पानी और दूध को जूठा कर दे तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस दूध या पानी को फेंक दिया जाता, कहा जाता है कि उसको पीने से बीमार हो जाएंगे। लेकिन करणी माता मंदिर के अंदर तस्वीर अलग है। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस पानी के बर्तन में ये काबा पानी पी रहे हैं, जिसके अंदर दूध पी रहे हैं, उसी को श्रद्धालुओं को दिया जाता है। कहा जाता है कि ये माता का प्रसाद है, इससे बीमार नहीं होते हैं, ठीक होते हैं। आखिर क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये परंपरा यहाँ सालों से निभाई जा रही है, लेकिन दावा है कि आज तक कोई बीमारी नहीं फैली, जबकि बाकी जगहों पर चूहों को बीमारी फैलाने वाला माना जाता है। यही देखने वाली चमत्कारी बात जो है, जो यही देखने वाली है कि यहाँ पे चूहे हर एक चीज जूठी कर रहे हैं, इंसान भी खा रहा है उसको, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यही चमत्कार है इस जगह का, यही चमत्कार देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। सदियों से ये प्लेग की बीमारी होती है, जो उसके बारे में कहा जाता है कि चूहों से फैलती है वो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। चूहों का जूठा खाने के बावजूद बीमारी का खतरा क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई इस धाम में सफेद चूहे भी हैं?
जो देवी का रूप माने जाते हैं। जब हम इन सवालों का जवाब तलाशने निकले तो एक ऐसी हकीकत से सामना हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हम मंदिर से जुड़े हैरतअंगेज दावों को परखेंगे, ये पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हमारी दिलचस्पी उस सफेद चूहे को देखने में भी थी जिसे लोग देवी का रूप मानते हैं। उसकी तलाश में मंदिर के कोने कोने में गए। कुछ देर बाद वो सफेद चूहा हमें दिखा भी। उसके बाद बारी थी उस रहस्य का पता लगाने की जो सदियों बाद भी एक पहेली बना हुआ है। धाम की पूरी कहानी जानने के बाद हमने पड़ताल शुरू की। हम सफेद चूहों को देखना चाहते थे जिन्हें साक्षात देवी का रूप माना जाता है। यहां आने वाले हर शख्स की एक ही मुराद होती है, बस किसी तरह से सफेद चूहा दिख जाए। हम सफेद चूहे की तलाश में मंदिर के रसोई घर में पहुंच गए। बताया गया था कि इस जगह वो जरूर दिखेगा। सुबह से हम सफेद काबा की तलाश कर रहे हैं। उसकी तलाश में हमने मंदिर का कोना कोना छाना, अलग अलग जगह पर गए। किसी ने कहा कि मूर्ति के पास में मिलेंगे, वहां पर गए हम। उसके बाद में किसी ने कहा छत पर मिलेगा, वहां पर हम गए। और अब कहते हैं कि यहां पर जहां माता का प्रसाद तैयार किया जाता है भोग के लिए, कहते हैं कि सफ़ेद चूहा पहले यहां पर आता है काबा, और यहां पर ये भोग ले जाया जा रहा है जो माता के लिए। कहते हैं कि क्योंकि सफ़ेद काबा को माता का रूप माना जाता है, कहते हैं कि वो यहां पर आकर सबसे पहले भोग को चखते हैं। तो यहां पर इस वक्त संभावनाएँ यहां पर ज़्यादा है कि यहां पर हो सकता है यहाँ इसी जगह पर ये अभी ये प्रसाद तैयार हो रहा भोग का, कहने कि किसी वक्त यही टाइम होता। और जो सोमणी जिस जगह को बोलते हैं, यानी कि जो प्रसाद पकाया जाता उस जगह पर, अभी कुछ देर पहले हमें यहाँ इस साइड में थोड़ी सी उसका एक कान दिखाई दिया था, हल्का से कान की झलक की सफ़ेद चूहा यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ हमें नज़र नहीं आया। हम कोशिश करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि वो भोग के लिए यहाँ पर आ जाए। हमारी तरह कुछ और लोग भी यहां वहां भटक रहे थे, लेकिन सभी मायूस थे। फिर हमारी तलाश एक बर्तन के पास जाकर खत्म हुई। ये इस बर्तन, पानी के बर्तन के बिल्कुल पीछे बैठा, ये देख सकते हैं कि ये पानी का बर्तन है, ये इसके बिल्कुल पीछे ये सफेद काबा, ये रहा, ये सफेद काबा है। और इसी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि ये माता का रूप है, और जिसको ये दर्शन हो जाते हैं सफेद काबा का, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद हमें दो और सफेद काबा यानी चूहे दिखे। फिर भी हजारों चूहों के बीच महज दो या तीन सफेद चूहों को देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। कड़ी मेहनत के बाद जब लोगों को ये दिखते हैं तो उन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। पुनर्जन्म का चक्र, सफेद चूहे को देवी का रूप मानना, धाम से जुड़े हर दावे की पड़ताल संभव नहीं थी। जो मुमकिन था वो हमने किया, और जो सामने आया उसमें दावे हकीकत के काफी करीब दिखे। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें कुछ और सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिर एक जगह पर इतने चूहे कैसे इकट्ठा हो गए? इतने चूहों के बावजूद धाम में किसी तरह की बदबू क्यों नहीं थी? चूहों का जूठा खाने के बावजूद कोई बीमार क्यों नहीं पड़ता? जाहिर है हमारे किसी भी सवाल का जवाब इस धाम में तो नहीं मिलने वाला था। इसके लिए हमारी दूसरी टीम ने दिल्ली में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट फैयाज से संपर्क किया। विज्ञान कहता है कि जहां भी फूड सिक्योरिटी आप दोगे, चूहा ही नहीं किसी भी एनिमल को, वहां रहेंगे। उदाहरण स्वरूप आप कोलंबा लीबिया जो ब्लू रॉक पीजन है, जिसको आप कबूतर कहते हैं, वो शहरों में क्यों है? क्योंकि आप उनको खाना देते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी देते हैं, उनको समझ में आता है कि मेरे बच्चे जो मैं पैदा करूंगा उन बच्चों के लिए खाना मुहैया है। देखिए, विज्ञान तो कहता है कि अगर आप चूहों के संपर्क में आते हैं, उसके द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन को आप करते हैं या पानी पीते हैं, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। एक साल्मोनेलेसिस होता है जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया, जो टाइफाइड भी करता है, उसकी एक प्रजाति है जो उसके गुआना, उसकी जो चूहों की ड्रॉपिंग जमा होती है उसमें वो पैदा होती है,
और फिर आप सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो कर सकती है, उसके हेयर्स को आप इनहेल कर लें तो सीरियस प्रॉब्लम होता है। तो इन सारी चीज़ साइंस तो कहती है कि मुश्किलें हैं। वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स की बातें अपनी जगह पर सही है, क्योंकि विज्ञान के आधार पर उनका अपना एक अलग ही नजरिया होता है। लेकिन उस धाम में चूहे इंसानों के साथ सालों से रह रहे हैं, चूहों का जूठा प्रसाद के तौर पर बरसों से खाया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी तरह की बीमारी की बात सुनने में नहीं आई। धाम में हमने जो भी देखा उसे खारिज करने की कोई बड़ी वजह हमारे सामने नहीं थी। चूहों की मौजूदगी पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये मंदिर लोगों के लिए देवी की साधना का एक जरिया है। चूहे भी उसी का एक हिस्सा है और यही हकीकत है। जो लोग इसे चमत्कार मानते हैं उन्हें वैज्ञानिकों के तर्क कभी हजम नहीं होते, और जिन्हें विज्ञान पर विश्वास है वो चमत्कार के दावों को खारिज करते आए हैं। हमारे लिए भी किसी एक पक्ष के साथ जाना जायज नहीं होगा। न हम विज्ञान के तर्क को झुठलाना चाहते हैं, न किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा फर्ज था कि हम दोनों पक्षों से जुड़े दावे आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।